बच्चे लोग छूट जाते हैं। तो मैं ही कहूँगा गार्जियन से, उनको गार्जियन से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के पॉकेट में एक कागज़ के चुटका में मोबाइल नंबर, नाम और एड्रेस लिख के डाल दें, ताकि हम लोगों को संपर्क करने में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग उसको यहाँ पर उसके घर तक हम लोग पहुँचा पाए। इस स्थल पर जो आएंगे, जो झांकी लेकर, उस झांकी को हम लोग फर्स्ट पुरस्कार 51,000 रुपया, सेकेंड पुरस्कार 31,000 रुपया और थर्ड पुरस्कार हम लोग 21,000 रुपया देने का काम करेंगे। सरूल पर्व आदिवासियों के लिए सिर्फ पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। सरई फूल ने पूरे जंगलों को सफ़ेद कर दिया है। झारखंड का पूरा जंगल सरई के फूल से पूरी हरियाली के साथ सफ़ेद हुआ है। जंगलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है सरई फूल के खिलने के साथ। इस तरह से राजधानी रांची में भी सरहुल की तैयारियां जोर से है। अभी हम राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली में हैं। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के पूरी टीम है जो यहाँ पे तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे पूरे रांची के लोग आते हैं। रांची के अगल बगल के लोग अपने जुलूस के साथ यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसे आगे बढ़ाते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही है, चूँकि गाइडलाइन भी आ चुके हैं सरकार की ओर से कोरोना को लेकर, और उस गाइडलाइन के आधार पर कैसी तैयारियां चल रही है, हम इनसे बात करते हैं। अजय दा, आपका स्वागत है। सिर्फ एक दिन बचे हैं दादा सरहुल को, तो कैसी तैयारियां चल रही है अभी सरहुल की? जैसे आप देख रहे हैं कि सरहुल हमारा कल जो पूजा है 3 तारीख को, और 4 तारीख को हमारा जो सरहुल शोभा यात्रा का जो जुलूस निकलता है वो 4 तारीख को है, और 5 तारीख को हमारा जो फुलखोसी जो होता है वो कार्यक्रम है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं में बहुत खुशी और हर्षोल्लास है मन में कि इस बार हम लोग जो 2 साल कोरोना के कारण लोग सरहुल जुलूस नहीं मना पाए, सरहुल का त्यौहार नहीं मना पाए, लेकिन इस बार बहुत खुशी है। सरकार के द्वारा भी हरी झंडी दे दिया गया है कि इस बार सरहुल की शोभा यात्रा होगी, और हम लोग उसको पूरे ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आप देखे होंगे प्रेस मीडिया के माध्यम से कि हम लोग उसका प्राइज वितरण का भी काम किए हैं। जो यहाँ पर सिरम टोली पर, जो हमारा इस स्थल पर जो आएंगे, जो झांकी लेकर, उस झांकी को हम लोग फर्स्ट पुरस्कार 51,000 रुपया, सेकेंड पुरस्कार 31,000 रुपया और थर्ड पुरस्कार हम लोग 21,000 रुपया देने का काम करेंगे। वहीं पर 57 पुरस्कार हम लोग 5100 रुपया प्रत्येक झांकी को देंगे, और जितने खोड़ा जो नृत्य गीत नाचते गाते ढाक नगाड़ा मांदर के साथ में जो यहाँ पर नृत्य गीत करते हुए आते हैं, उन सभी खोड़ों को 11 साड़ी, 1 धोती, 1 गमछा, 1 गंजी दिया जाएगा। और सारे खोड़ा को जितने खोड़ा आएंगे सभी खोड़ा को हम लोग देंगे, और पहनों को हम लोग गमछा पगड़ी बांध कर उसको सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ पूरे विस्तार पूर्वक हमारे केंद्रीय सरना समिति के महासचिव है प्रकाश हंस से सारे चीज़ को विधि विधान से बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन जिस दिन हमारा सरहुल शोभा यात्रा निकलती है, उस दिन नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा, केंद्रीय सरना समिति की ओर से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग उस दिन नशा पान से दूर रहें, ताकि आपके मोजा के, आपके खोड़ा दलों के साथ, आपके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग के साथ जो आते हैं उनकी देख रेख करना आपकी जिम्मेवारी होता है। इसलिए मैं नौजवानों को विनती प्रार्थना करना चाहूँगा, उस दिन आप नशापान से दूर रहें और अपने खोड़ा को अच्छे तरह से लाएँ और अच्छी तरह से नृत्य गीत करते हुए अपने जगह तक वापस चले जाएँ। एक सवाल मेरा ये भी है जैदा, आपने पुरस्कार की बात की, खोड़ा आएंगे उनको साड़ियाँ दी जाएगी, लेकिन ये है कि सरकार की गाइडलाइन है कि आप 100 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकते और बाजा गाजा नहीं ला सकते, झांकियाँ नहीं निकाल सकते। तो जब झांकियाँ नहीं निकालने का गाइडलाइन है, उस बीच आप कह रहे हैं कि जो बेहतर झांकी होगी उनको पुरस्कृत करेंगे, कैसे होगा ये सब? देखिए बात ऐसा, सरकार का गाइडलाइन नहीं है, आपदा विभाग जो होती है उनका है। ये आपदा विभाग आपका WHO चलता है, मतलब स्वास्थ्य विभाग जो है WHO उसके हिसाब चलता है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार सिर्फ आपको एक दिशा निर्देश देती है कि आप देख लीजिए, आपदा विभाग अलग होता है, वो देखता है कि इस बार क्या, मतलब इस बार राज्य में, इस राज्य में क्या कुछ ऐसा माहौल है, कुछ ऐसा बीमारी फैला हुआ है कि नहीं, वो आपदा विभाग अलग विभाग वो देखता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना भी अब लगभग ख़त्म की ओर है, तो सरकार ने कहीं ना कहीं अपने अनुसार वो एक हरी झंडी दे दिया, तो हमें इशारा को समझना है।
आप इशारा को समझिए, आपको जुलूस निकलना है। आप कैसे निकलना है, ये आदिवासी स्वतंत्र है अपने मतलब कि उस झांकी को निकालने के लिए, जुलूस को निकालने के लिए स्वतंत्र है। आप झांकी कैसे निकालना है, जुलूस कैसे निकालना है आपको समझना है, इशारा इशारा में सब कुछ को समझना है। आप झांकी निकलेगी बाजा गाजा के साथ निकलेगी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि डीजे वो सब नहीं, जो हमारा सरूल का जो नृत्य गीत है, हमारा सरूल का जो गाना है उसके साथ आपको निकलना है। मांदर नगाड़ा और सरूल का गीत बहुत सारा सुंदर सुंदर आप देखिएगा, सरूल के इतने अच्छा अच्छा, आप गूगल में जब जाइएगा सरूल का गीत को कीजिएगा, यूट्यूब में जाइएगा तो सुंदर सुंदर हमारा सरूल का नृत्य गीत और गाना है, तो उसके साथ निकले ताकि अपना परंपरा रीति रिवाज नृत्य गीत बचा रहे, और बचाना हम सभी नौजवानों का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, गाने की बात किए हैं दादा, तो दो लाइन आपसे हम सुन लेंगे ताकि ताकि जनता भी ये देखे कि अपने, जैसे दादा ने अपील की है कि अपने गानों के साथ आना है, जो अपना सांस्कृतिक गाना उसके साथ आना है, वेशभूषा के साथ आना है, मांदर के साथ आना है, तो दो लाइन दादा गा देंगे हमारे लिए। गाना ऐसा है कि देखिए, गाना तो सरूल के दिन मांदर के साथ गाया जाता है, अभी खाली में अभी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए गाना को अभी रहने दीजिए, अभी गाएंगे थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए गाना को रहने दिया जाए। और आपको बताऊंगा, आपको गाना भी सुनाऊंगा, लेकिन जब मांदर आ जाएगा उसके साथ आपको सुनाऊंगा। तो हम लोग मांदर का इंतज़ार करते हैं। महासचिव जी से हम बात करते हैं। संतोष दा, तैयारियाँ चल रही हैं और काफ़ी लंबे समय से आप लोग लगातार यहाँ पर हैं, नगर निगम से क्या आश्वासन मिला है, क्या मदद मिली है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, नगर निगम की तरफ से जो भी सुविधाएं मिली है उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। सीधा सीधी तौर पे हम केंद्रीय सरना समिति की ओर से जो गाइडलाइन हम लोगों ने जारी किया है और कैसे हम इसको सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि सभी हम जानते हैं कि यह हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल, और सरहुल में हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। जुलूस में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जुलूस में आने में जो जो परेशानियां होती है उस पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं, और केंद्रीय सरना समिति की ओर से हम लोगों ने मिलकर एक गाइडलाइन जारी किया है कि भाई जितने भी सरूल शोभा यात्रा में इस सरना स्थल पहुँचेंगे वो सारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा लाल पाट साड़ी महिलाएं पहनकर आएंगी, और धोती गंजी गमछा ये सारे पुरुषों के लिए परिधान होगा, और जितने भी तरुल शोभा यात्रा में सभी अपने अपने बैनर और गांव मौजा का नाम लिखकर आएंगे ताकि हम लोग स्वागत करने के लिए सुविधा होगी। साथ ही साथ जो प्रोत्साहित करने की बात है, अजय दा ने भी कहा है कि नहीं हम लोग पुरस्कृत करेंगे कह के, तो उसमें भी हम लोग को सुविधा होगी। साथ ही साथ तमाम शोभा यात्रा में शामिल लोगों से आग्रह होगा कि अपने अपने खोड़ा में ही नृत्य गीत करते इस सरना स्थल पर पहुँचे, क्योंकि दूसरे खोड़ा तीसरे में मिल जाते हैं जिसके कारण कि बहुत सारी दिक्कतें होती है, छेड़खानी का भी कभी कभी ऐसा प्रकाश में आता है कि नहीं सो इस तरह से ऐसा हो रहा है कह के। साथ ही साथ हम लोग ये भी अपील किए हैं कि आप लोग जिस तरह से नाचते गाते इस सरना स्थल पर पहुंच रहे हैं तो उसी तरह से अपने खोड़ा अपने टीम के साथ ही वापस जाएं, ऐसा हम लोगों ने कहा है। और जो बच्चे और जिनको असमर्थ है लौटने समय दिक्कतें होती है जाने के लिए, तो उसको नगर निगम की ओर से जो बसें, जो सरकारी बसें यहां उपलब्ध होगी, उसे हम लोग सभी रूटों में वापस भेजने के लिए महिलाएं या बच्चों को हम लोग भेज पाएंगे, ऐसा भी सुविधा हम लोगों ने रखा है। साथ ही साथ डीजे का जैसा कहा गया है तो वाकई डीजे हम लोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रहे हैं कि भाई डीजे लेकर नहीं आएंगे, और अगर जो भी आएंगे वो लोग सरूल गीतों का ही उपयोग करेंगे, और विशेषकर हम लोग प्राथमिकता दी है कि भाई ढोल नगड़ा जो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है और पारंपरिक वेशभूषा में और गीत नृत्य करते ही आए उसको हम लोग पहला प्राथमिकता देंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी निर्देशित किए हैं कि भाई अपने खोड़ा में किसी दोस्त या फिर अनजान व्यक्ति को शामिल नहीं करें ताकि उससे भी लड़ाई झगड़ा की परेशानियां होती, हाँ अशांति होती है, इसको भी हम लोग, और साथ ही साथ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है उसके लिए, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है या किसी तरह का परेशानी होती है तो चौक चौराहों पर पुलिस बल के लोग रहेंगे, उससे आप सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह का
कोई बात है तो सरना समिति भी आपके हर सुख दुख में तत्पर रहेगी और हम लोग से भी संपर्क कर सकते हैं, हर समस्या का तत्काल में निदान हम लोग कर पाएंगे। लेकिन आप लोग का जुलूस आने वाले सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप अपने अपने जुलूस, अपने अपने खोड़ा और अपने अपने जो भी गांव से आते हैं उसी से आएँ और उससे अलग ना हो, तभी हम इस सारे चीज़ों को कर पाएंगे। और हमारे बीच अभी सहायक पहान है जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो कि उपवास है, पूजा है, उसके बाद फूलकोसी से विस्तार पूर्वक बताएंगे प्रकाश जी। प्रकाश हंस जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, हमेशा यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो हर साल आती हैं, जैसे महिलाओं को लेके समस्या है, बाथरूम और पानी को लेके समस्या है। आप लोगों ने प्रशासन से कुछ मदद मांगी है इस बारे में इस साल के लिए? प्रत्येक साल जैसे देखते हैं कि हम लोग प्रत्येक साल सरूल शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में बहुत सा जो मूलभूत सुविधा का भी अभाव है और इसको लेके हम लोग आभरी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग एक ज्ञापन भी दिए हैं कि इसका सौंदर्यीकरण के लिए, और वो काम हम लोग का बहुत जल्द शुरू होएगा। और जहाँ तक सरल सभा यात्रा के व्यवस्था का बात है तो हम लोग जिला प्रशासन को ज्ञापन द्वारा भी यही बोले हैं बिजली पानी का, तो ये महिलाओं के लिए खासकर हम लोग चलन शौचालय का व्यवस्था हम लोग सरना केंद्रीय सरना स्थल के बाहर हम लोग किए हैं। और ये इसके साथ ही साथ शोभा यात्रा के दौरान जो भी रास्ते चौराहे आते हैं तो जगह जगह हम लोग बिजली पानी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का भी हम लोग के बारे में हम लोग बोले हैं। और इस साथ साथ हम लोग आपका जगह जगह जो चौक पड़ रहा है वहाँ पर मंच लगा के प्रशासन को वहाँ पर बैठने का हम लोग किए हैं कि भाई देख रेख कीजिए आप, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। और हम लोग का सरकार से यह भी एक अपील है कि बहुत सा हम लोग का शोभा यात्रा में बच्चा बच्ची या महिला लोग अधिक संख्या में कुछ छूट जाते हैं, है ना, तो उसके लिए भी सरकार एक हेल्पलाइन जारी करे और हम लोग भी एक हेल्पलाइन जारी करेंगे और साथ ही साथ सरकार से भी डिमांड करेंगे कि हम लोग को कुछ गाड़ी का व्यवस्था हम लोग को किया जाए ताकि जो छूट जाते हैं शोभा यात्रा में उनको हम लोग समिति के माध्यम से पहुँचाने का काम करें। जी यहाँ पूरी लाइट की तो व्यवस्था रहती है, बाहर भी रहती है, लेकिन यहाँ से जब 2 कदम आप आगे जाएंगे पटेल चौक से आगे जो रास्ता है जो कडरू की ओर जाता है वहाँ पे कभी लाइट नहीं होता। रात में जब महिलाएं वहाँ से गुजरती है तो कई बार छेड़खानी का ये बात भी सामने आ चुका है। और यहाँ से आप गोस्टर कॉलेज की ओर जाएंगे तो उधर भी लाइट नहीं रहता है प्रॉपर, तो इस बारे में प्रशासन के पास आप लोगों ने कोई बात रखी है? क्योंकि हर साल की ये समस्या है। ऐसा है कि एक पिछले साल 2-3 साल पहले तो एक बार खुद ही हम निगम के माध्यम से हम खुद ही लाइट लगाने का काम किए थे सुजाता चौक से लेकर सिरमटोली सरना स्थल तक और यहाँ से लेकर बहु बाजार तक और सरना स्थल से लेकर कडरू ओवर ब्रिज तक। एक बार हम अपना देख रेख में पूरा निगम के द्वारा जो मिला था व्यवस्था हमको उसको अपना देख रेख में हम पूरा लगवाए थे। लेकिन इस बार भी जिला प्रशासन की टीम जो यहाँ पर आती है उनको हम अवगत कराएँ कि सर इस तरह का समस्या है लाइट का, तो उनका उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि निगम के द्वारा हम लोग को जगह जगह लाइट हम लोग को दिया जाएगा, खासकर आपका सुजाता से लेके आपका सिरमटोली तक। लेकिन उनको हम बोले कि सर शोभा यात्रा हम लोग का मेन आपका हतमा सरना स्थल से निकलती है और केंद्रीय सरना तक आती है, तो उस बीच जो हम लोग का मुख्य मार्ग है मेन रोड का उस पर आप पूरा लाइट का व्यवस्था दें, इसीलिए कि हम लोग का शोभा यात्रा में बड़ा संख्या में ऊँचा और लंबा झंडा लेके तो लोग आते नहीं हैं कि इस तरह का किसी तरह का दिक्कत हो, लाइट का समस्या हो। इसीलिए सरकार अगर चाहेगी और थोड़ा सा योगदान देगी तो लाइट का हम लोग का जो समस्या है वो दूर हो सकता है। साथ ही साथ और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि सारे चीज़ सरकार के ऊपर भी थोपना ये ठीक बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कडरू पड़ता है, अगर आप जिस तरह कहें कि कडरू में छिड़कानी का मामला आता है या मान लीजिए कि मेन रोड में किसी तरह का मामला आता है तो वहाँ का जो स्थानीय समिति है जैसे कडरू सरना समिति है या जो भी उस क्षेत्र में सरना समिति पड़ती है उनका भी दायित्व है अपना है ना कि अपने स्तर से भी वो लोग अपना कुछ लाइट का व्यवस्था करें। क्योंकि आप चुटिया चले जाइएगा तो चुटिया में भी बहुत सही से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने निजी पैसे से लाइट का व्यवस्था करते हैं, है ना, और इस तरह का हम लोग का भी प्रोत्साहन करते हैं कि भी अपना व्यक्तिगत खर्च पे भी हम लोग इस तरह का काम सेवा का काम हम लोग कर सकते हैं। अजय दा से हम दोबारा जुड़ते हैं। अजय दा, ये भी एक समस्या हमेशा रहती है कि
कि जब जुलूस आता है तो जो फिरायलाल चौक है वहाँ पे इतना जाम हो जाता है पंडालों की वजह से कि बहुत से जुलूस जो होता है, बहुत से जो खोड़ा होते हैं वो वहीं से वापस लौट जाते हैं। तो इस बार क्या कुछ अलग व्यवस्था होगी वहाँ पर? देखिए, हम लोग ट्रैफिक का जो है जित भानुराम जी जो DSP है उनसे हम लोग बात हुई है कि इस बार जो हम लोग का जो फिरायलाल जो अल्बर्ट का चौक है वहाँ पर जैसे कि जो जुलूस आती है तो जुलूस जैसे बढ़ेगी तब मान लीजिए उधर आपको कोकर तरफ से जो जुलूस आ रही है उसको रोका जाएगा, इधर से कुछ जुलूस पार होगी तब उसको फिर बढ़ाया जाएगा, फिर उधर से कुछ आएंगे तब फिर इसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह से रोक रोक के बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जो सिरम टोली में आने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। इसके लिए ट्रैफिक के DSP के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग किए हैं और आने वाले दिन में हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा सही तरीका से ट्रैफिक का भी नियम का पालन करें ताकि लोग को आने में जुलूस में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अजयदा, प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन तो आएगी ही, लेकिन क्या केंद्रीय सरना समिति की ओर से कोई हेल्पलाइन है? किसी महिला को अगर प्रॉब्लम हो गया या कोई बच्चा छूट गया तो क्या समिति की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसे आप जारी करना चाहते हो? देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो हम लोग का खुद जो नंबर पर्सनल नंबर हम लोग उसी को सर्कुलेट करेंगे ताकि उस नंबर पर संपर्क कर सके लोग, और हम लोग उसके माध्यम से जो लोग बच्चे बूढ़े या महिलाएं को छूट जाती हैं तो नगर निगम की जो बसें हमें जो दिए जा रहे हैं केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से, तो मैं उनके बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बूढ़े या महिला जो भी हैं जो लगते हैं कि छूट जाने की, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग छूट जाते हैं, तो मैं ही कहूँगा गार्जियन से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के पॉकेट में एक कागज़ के चुटका में मोबाइल नंबर, नाम और एड्रेस लिख के डाल दें ताकि हम लोगों को संपर्क करने में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग उसको यहाँ पर उसके घर तक हम लोग पहुँचा पाए। और मैं ही कहना चाहूँगा तमाम खोड़ा दलों या जितने आने वाले झांकियों चाहे जो तो परिवार जो आदिवासी परिवार जो लोग आएंगे उन सभी से मैं ही कहना चाहूँगा जो भी भूला भटका हो वो अपने बच्चे के पॉकेट में वो एड्रेस नाम और फोन नंबर जरूर डाले और साथ ही ये कह दें कि वो सीधे संपर्क हमारा जो मंच है इस मंच के माध्यम के पास आ जाए, मंच के माध्यम से संपर्क करें ताकि हमें उसको घर तक पहुंचाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बिल्कुल, केंद्रीय सरना समिति की पूरी टीम थी और ये टीम लगातार एक महीने से इस सरहुल महापर्व को अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से चलाने के लिए संघर्ष में है। प्रशासन से लगातार इनकी मीटिंग हो रही है, पुलिस प्रशासन से मीटिंग हो रही है ताकि जो भी असुविधाएं बीते कई सालों में देखी गई है वो इस साल दोहराई ना जाए। आप भी सरहुल के तैयारियों में लगे रहे, सरहुल पर्व सिर्फ एक दिन के बाद है, दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जोहार।